उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दया शंकर सिंह जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज बहुत बड़ा दिन है, आज शपथ लिखा है MLC ने कई, और आप विधान परिषद में भी बहुमत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, जिस तरह से 37 सालों के बाद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार अपने काम के बल पर जीत करके दोबारा आई है, और विधान परिषद के चुनाव में भी मैंने भारी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिला, किसी भी राजनीतिक दल को एक भी सीटें नहीं मिली, कुछ निर्दलीय जीते और बाकी सब भारतीय जनता पार्टी जीती। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी जी ने जो काम किया उत्तर प्रदेश में, उसके लिए जनता जो है जो अपार समर्थन दे रही है, उसी का परिणाम। परिवार की भी संपत्तियों को सार्वजनिक करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के लिए, विधायकों के लिए और अफसरों के लिए निर्देश जारी किए, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये पहले से ही एक जो है सभी मंत्रियों के लिए एक आचार संहिता है कि आपको जो है अपनी संपत्ति का घोषणा करनी पड़ेगी, आपके परिवार के लोग क्या करते हैं ये बताना पड़ेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों के साथ साथ अधिकारियों को भी कहा, और चाहे IAS अधिकारी हों, IPS अधिकारी हों, PCS अधिकारी हों, सबको अपनी संपत्ति की जो है घोषणा करनी चाहिए, और हर वर्ष 31 मार्च से पहले देना चाहिए। इससे लगे कि भाई इन लोगों ने क्या अर्जित किया, एक समाज में एक पारदर्शिता आएगी और लोगों को लगेगा कि नहीं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इसका प्रदर्शन हो। डग्गा मार वाहनों की शिकायतें बहुत आ रही हैं, अभी से लेकर शहरों से लेकर गांवों तक इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। काफ़ी लंबे समय से जो है वो पिछली भी सरकारें रही हैं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, अब आप मंत्री बने हैं, इसको कैसे सुधार करेंगे, क्योंकि इस पर सुधार हो नहीं पा रहा है? देखिए, अभी 12,000 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर हमारी अभी परिवहन विभाग की बसें नहीं गई हैं, और किसी भी तरह की बसें वहाँ पर प्राइवेट बसें भी नहीं गई, तो बहुत सारे वो है। हम अभी चाहते हैं कि 5 वर्षों के अंदर कोई गांव अब नहीं बचेगा जहाँ पर परिवहन निगम की बसें ना हों, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में और भी सख्ती होगी, कोई भी डगामार वाहन सड़क पर नहीं रहेगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने सुना दया शंकर सिंह जी को, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में हम बसों को लेकर और सख्ती बरतने वाले हैं, डग्गा मार वाहन सड़क पर नज़र नहीं आएंगे, और साथ ही साथ हर गांव तक रोडवेज बसें पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। कैमरामैन जितेंद्र के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।